आपके यूरिन की स्मेल या पेशाब की गंध अगर आपको चेंज नजर आती है, सामान्य से कुछ हटके लगती है, तो इसकी मुख्य वजह क्या हो सकती है? ये किस चीज को इंडिकेट करती है कि आपके शरीर में क्या चल रहा होता है? दोस्तों, अगर आपके यूरिन की स्मेल अलग अलग तरीके की आती है, तो किस गंध के हिसाब से कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन यूज की जा सकती है? अगर आपको हमारे से परामर्श लेना, तो किस तरीके से परामर्श कर सकते हैं? ये तमाम जानकारियां इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे, तो इस वीडियो के साथ आप जरूर बने रहिए। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रामदेव लमोरिया, एक होम्योपैथी कंसल्टेंट, जो कि अपनी प्रैक्टिस 17 ईयर से जोधपुर राजस्थान में कर रहा हूं, और आज आपके साथ बात करूंगा कि यूरिन स्मेल के अंदर पर्टिकुलर मेडिसिन कौन कौन सी दी जा सकती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं। सामान्यतः हम देखते हैं पारिवारिक जीवन के अंदर कि काफी लोग यूरिन पास करने जाते हैं, उसके बाद टॉयलेट से बाहर आते हैं, प्लस में पानी भी डालते हैं, उसके बावजूद भी दूसरा व्यक्ति जाता है तो उनको एहसास होता है कि इनकी यूरिन के अंदर अलग सी स्मेल आ रही है, बहुत तेज स्मेल आ रही है। या कई बार हम घर परिवार में बैठे होते हैं तो कुछ लोगों को पास में बैठने से पता चलता है कि उनके अंदर यूरिन की सी स्मेल आती है, या उनको खुद को एहसास होता है कि हमारे जो यूरिन आता है उसमें बहुत ज़्यादा तेज गंध आ रही है, बहुत अलग अलग तरीके की आ रही है। जब भी आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो वो आपसे ये पूछते हैं कि आपको क्या दिक्कत है, तो कैसा, मेरे को पेशाब में बहुत तेज बदबू लगती है, जब भी पेशाब करने जाता हूँ मुझे अजीब सा लगता है। ऐसी समस्या काफ़ी लोगों के साथ देखी जाती है। दोस्तों, ये समस्याएं जब होती है तो ये कुछ बीमारी को इंडिकेट करती है, आपके शरीर में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत चल रही होती है, उसकी वजह से ये आपके यूरिन की जो स्मेल नॉर्मल होती है वो चेंज होने लग जाती है। नॉर्मली जो यूरिन की स्मेल होती है दोस्तों, जब कंसंट्रेट यूरिन होता है तो उसमें स्ट्रॉन्ग अमोनिया जैसी, अमोनिया एक जो लिक्विड होता है, उसमें एक अलग सी तेज सी गंध आती है, वैसी गंध आती है। लेकिन हर व्यक्ति के यूरिन की जो स्मेल होती है थोड़ी सी पर्टिकुलर होती है, लेकिन अगर आपको सामान्य से डिफरेंट लग रही है या बार बार उसमें अलग अलग तरीके की स्मेल आ रही है, तो आपको कहीं ना कहीं ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि आपके शरीर में कुछ ना कुछ कोई चीज़ बीमारी प्रोग्रेस कर रही है, तो आपको डॉक्टर को दिखाने की आवश्यकता होती है। अब चलिए बात करते हैं कि कई बार क्या होता है कि सामान्य लाइफ के अंदर हम पानी कम पी पाते हैं और उसमें कंसंट्रेट हो जाता है यूरिन, तो एक बार थोड़ी सी यूरिन की गंध तेज हो जाती है, लेकिन जब भी हम हाइड्रेट या पानी अच्छा पी लेते हैं तो उसके बाद वो नॉर्मल गंध की तरफ चली जाती है। लेकिन कई बार कंटिन्यू आपकी जो यूरिन की स्मेल होती है आपको परेशान कर देती है, तब हम बात करते हैं कि ये क्या क्या इशारा करती है, किसकी चीज़ की दिक्कत आपके अंदर चल रही होती है, क्या क्या उसके कारण हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कई बार हम खान पान के अंदर कंटिन्यूस कुछ चीज़ें ऐसी यूज करते हैं जिसकी वजह से यूरिन की स्मेल चेंज हो जाती है। जैसे खान पान में अगर आप कॉफ़ी कंटिन्यू यूज कर रहे हैं, गार्लिक आप लहसुन आप यूज कर रहे हैं, प्याज का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भी आपकी यूरिन की जो स्मेल होती है वो चेंज हो जाती है। इसके अलावा कोई व्यक्ति अगर अल्कोहल पीता है, अल्कोहल के अंदर भी आपकी यूरिन की स्मेल चेंज हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों, खान पान के अंदर आप कंटिन्यू कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो भी आपकी यूरिन की स्मेल कई बार चेंज होती है, वो जैसे ही आप डाइटरी चेंज या आपके खान पान के अंदर बदलाव कर लेते हैं वो चीज़ें ठीक हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसी बीमारियों की तरफ भी इशारा कर रही होती है या कुछ प्रॉब्लम डिजीज की वजह से भी दिक्कत होती है, जैसे आपके यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर कई बार इन्फेक्शन हो जाता है, पेशाब नली का संक्रमण होने की वजह से भी दिक्कत हो जाती है। जिन लोगों के पुराना ब्लैडर के अंदर इन्फेक्शन, जिसको सिस्टाइटिस बोलते हैं, उसकी वजह से भी बार बार यूरिन की जो स्मेल होती है वो चेंज होती रहती है या बदबूदार स्मेल आती है उसमें। इसके अलावा खासतौर से देखते हैं कि डायबिटीज के जो मरीज होते हैं उनके अंदर एक अलग तरीके की स्मेल होती है, फ्रूट्स की सी स्मेल आती है अलग अलग तरीके से, उनको बार बार पेशाब लगता है, उनकी जो स्मेल होती है वो चेंज हो जाती है। और कई लोगों के अंदर डायबिटीज हाई होने के कारण कीटोन बॉडीज डेवलप हो जाती हैं, उनकी भी कई बार कीटो एसिडोसिस होने लग जाता है, तो उसकी वजह से बॉडी की ही स्मेल चेंज हो जाती है यूरिन के साथ में, तो इसमें भी ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो ट्रैक्ट होती है उसका जो ब्लैडर से कई बार लिंक हो जाता है, उसकी वजह से भी आपकी यूरिन के अंदर काफ़ी तेज स्मेल देखने को मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों, कई बार फंगल इन्फेक्शन या यीस्ट का इन्फेक्शन यूरिनरी ट्रैक्ट में हो जाता है तो भी एक बदबूदार स्मेल आपको देखने को मिल सकती है। या कुछ जो विटामिन होती हैं उनकी अधिकता के कारण कई बार हम विटामिन अपने आप ही स्वतः लेने लग जाते हैं बिना डॉक्टर की एडवाइस के, और काफ़ी ज़्यादा विटामिन लेने के कारण भी आपकी यूरिन के अंदर स्मेल आने लग जाती है। या कई बार आपके लीवर के अंदर की दिक्कत होने की वजह से भी आपकी यूरिन की स्मेल चेंज हो जाती है। या फीमेल्स के अंदर हार्मोन चेंजेस होने के कारण, मेंसेस के दौरान कुछ हार्मोन चेंजेस होते हैं, या मेनोपोज के दौरान कुछ हार्मोन चेंजेस होते हैं, या प्रेगनेंसी के दौरान कुछ हार्मोन चेंजेस होते हैं, उनकी वजह से भी यूरिन का स्मेल होता है वो सामान्य से अलग नज़र आने लग जाता है, अलग दिखने लग जा अलग सॉरी महसूस होने लग जाता है।
लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि काफी लोगों के यूरिन की स्मेल एक सड़े हुए अंडे जैसी, फिश जैसी, फिश में जो स्मेल आती है ना उस तरीके की बदबू आती है, बहुत तेज घोड़े का जो यूरिन होता है, हॉर्स यूरिन होता है, उस तरीके की बदबू आती है, कई बार बहुत ज़्यादा तेज ऐसी स्मेल आती है कि आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो, लहसुन जैसी बदबू आती है, प्याज की जैसी उसकी स्मेल आती है, ऐसी आती है, सल्फर जैसी स्मेल आती है, अलग अलग तरीके की स्मेल कई बार दिखने लग जाती है। तो दोस्तों यूरिन की अगर स्मेल आपकी कंटिन्यू चेंज रहती है तो आपको जरूर अपने डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए या आपको कॉन्टेक्ट करना चाहिए और आप उसका कारण जानना चाहिए कि किस कारण की वजह से आपकी ये दिक्कत हो रही है। लेकिन आज हम इस वीडियो में बात करते हैं कि कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन हो तो पर्टिकुलर स्मेल के अकॉर्डिंग दी जा सकती है। सबसे पहली मेडिसिन दोस्तों मैं बात करता हूँ कि जब किसी व्यक्ति का यूरिन की स्मेल बदबूदार होने लग जाती है, बहुत बदबू आती है, खुद को एहसास होता है कि बहुत बदबू आ रही है मेरे यूरिन के अंदर, तो उन कंडीशन के अंदर मेडिसिन यूज की जा सकती है, वो है दोस्तों चीमोफिला, क्रियोजोटम और बैप्टिसिया। ये तीनों ही मेडिसिन अलग अलग कंडीशन में यूज की जाती है। जब किसी व्यक्ति का यूरिन बहुत बदबूदार हो जाता है तो उनके अंदर इन तीन मेडिसिन का बहुत अच्छा रोल रहता है कि अलग अलग सिम्टम्स के बेस पे तीनों मेडिसिन यूज की जाती है। नेक्स्ट दोस्तों बहुत ज़्यादा तेज अमोनिया की गंध अगर आती है यूरिन के अंदर, उसके लिए खास मेडिसिन आती है स्टिग्मेटामेडिस। स्टिग्मेटामेडिस यूरिन के अंदर इन्फेक्शन तेज हो जाता है उसकी वजह अच्छा रोल करती है, या सिस्टाइटिस की जिनको प्रॉब्लम होती है उनके अंदर बहुत तेज अमोनिया जैसी बदबू आती है, उनके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके साथ में परेरा ब्रेवा भी कई बार यूज की जाती है जिनके अंदर यूरिन में अमोनिया की तेज गंध आती है। नेक्स्ट जो तीखी गंध होती है, बहुत ज़्यादा शार्प स्ट्रॉन्ग बहुत तेज गंध होती है यूरिन के अंदर, आप पर्टिकुलरली नहीं कह सकते लेकिन उनकी जो गंध होती है बहुत तेज लगती है यूरिन की, उनके अंदर एसिड बेंजोइकम और सल्फर का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत तेज गंध आती है उनकी, ऐसा लग जाता है कि यूरिन कराएगा तो एकदम से नाक को चुभने वाली सी गंध ऐसा लगती है, तो उसके अंदर एसिड बेंजोइकम का इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट स्मेल होती है दोस्तों खट्टी बदबू आती है, कई बार किसी लोगों के व्यक्ति के अंदर शरीर में पसीने की बदबू भी खट्टी होती है और यूरिन की बदबू भी होती है खट्टी खट्टी जैसी लगती है, उनके अंदर केलकेरिया कार और ग्रेफाइटिस दोनों ही सुटेबल मेडिसिन होती है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन या कॉन्स्टिट्यूशन आप उनको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन जो स्वीट जैसी, ऐसा लगता है मीठी मीठी सी उनके भिनी भिनी मीठी मीठी सी उनकी खुशबू आती है यूरिन के अंदर बदबू आती है, उसके अंदर दोस्तों यूज कर सकते हैं यूकेलिप्टस ग्लोबुलस और टेरेबिंथ। टेरेबिंथ दोनों ही अच्छी मेडिसिन है इस चीज के लिए। नेक्स्ट स्मेल की बात करते हैं, गार्लिक लाइक लहसुन लाइक स्मेल आती है तो उसके अंदर केलकेरिया आर्स का रोल बहुत अच्छा रहता है। केलकेरिया आर्स को जिस लोगों के पसीने यूरिन से गार्लिक या लहसुन जैसी स्मेल आती है तो उसके अंदर केलकेरिया आर्स का रोल बहुत अच्छा देखा जाता है। नेक्स्ट स्मेल आती है दोस्तों फिश लाइक, जैसे मच्छी पड़ी होती है मच्छी मार्केट में जाते हैं तो उस तरीके की स्मेल अगर आपके यूरिन में अगर आ रही है तो उसके अंदर अच्छी यूज आती है यूरेनियम नाइट्रिकम 6 पावर में अंदर या 30 पावर में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कई बार दोस्तों हॉर्स लाइक, कई कुछ लोग जानते हैं कि हॉर्स के यूरिन की जो स्मेल होती है बहुत पर्टिकुलर टाइप की अलग टाइप की स्मेल होती है, अगर आपके अंदर यूरिन की स्मेल ऐसी है तो आप उसको यूज कर सकते हैं एसिड बेंजोइकम और एसिड नाइट्रिकम को, बहुत अच्छी दवा है एसिड नाइट्रिकम एसिड बेंजोइकम जब आपकी स्मेल बदबूदार है, बहुत तेज बदबू आती है, ओड़े जैसी बदबू अगर आपको स्मेल आती है तो आप एसिड नाइट्रिकम एसिड बेंजोइकम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत तरीके के अलग अलग स्मेल के अंदर अलग अलग होम्योपैथिक मेडिसिन यूज की जाती है। दोस्तों अगर आपको हमारे से परामर्श करना तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर के द्वारा अपॉइंटमेंट लेके पेड कंसल्टेशन ले सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसके बेल वाले बटन को जरूर दबाएं जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोज आते हैं उनका अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों ऐसे ही आपका प्यार रोशन हमारे साथ बना रहे। जय हिंद, जय होम्योपैथी।